बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ 4 से 5 साल की बच्ची की फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉक की बॉडी की कटिंग करते हैं। ये हमारे पास डबल फोल्ड कपड़ा है जिसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 7 इंच है। इसका कंधा हम 5 इंच रखेंगे, तो हम 5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। कंधे की लंबाई भी 5 इंच ही रखेंगे। कमर का निशान हम 6.5 इंच पर लगाएंगे। अब हम गले की चौड़ाई का निशान 2 इंच पर लगाएंगे और गले की लंबाई का निशान 2.5 इंच पर लगाएंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इनको आपस में मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम कंधे पर 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और फिर फ्रंट से कंधे की गहराई कर लेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। ये हमने बैक के लिए डबल फोल्ड कपड़ा लिया है जो कि फ्रंट से 2 इंच बड़ा है। अब इसको इस कपड़े को हम इस तरह इसके ऊपर रखेंगे। ये कपड़ा हमने बटन टेक के लिए लिया है। इस फ्रॉक पर हम अलग से बटन टेक के लिए कपड़ा नहीं लेंगे, बल्कि इसी को फोल्ड कर कर हम बटन टेक बनाएंगे। बैक नेक की लंबाई हम 1.5 इंच रखेंगे और इस पर हम एक निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे। हम बैक पार्ट को अब दरमियान से काट लेंगे। हमारी फ्रॉक की बॉडी की कटिंग हो गई है। यह हमारी फ्रॉक का निचला हिस्सा है जिसकी चौड़ाई 28 इंच है और लंबाई 16 इंच है। ध्यान में से अलग कर लेंगे। अब हम इस पर डिजाइनिंग के लिए कपड़ा काटेंगे। ये हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको हम स्क्वायर शेप में काटेंगे। इनको हम दरमियान में से भी अलहदा कर देंगे क्योंकि हमने ये डबल फोल्ड पट्टी ली थी। अब हम इसको इस तरह करके इसके ट्रायंगल्स बना लेंगे। हमने इस पर डिजाइनिंग करने के लिए 1.5 इंच चौड़ी 2 पट्टियां ली हैं। अब हम
गले और बाजुओं पर पाइपिंग लगाने के लिए 1.5 इंच चौड़ी उड़े पट्टियां काट लेंगे। हमारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है, तो चलें अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉडी तैयार करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले बटन टेक तैयार करेंगे। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, उसमें से हम 1.5 इंच फोल्ड कर लेंगे। ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। अब हम 1.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया था, तो इसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। हमारी सिलाइयाँ लग गई हैं। इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया था और इसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया था। जब जो ऊपर फोल्ड वाली साइड है उसको हम ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से बंद कर देंगे। हमारी बटन टैग तैयार हो गई है। अब हम कंधे की सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब हम इसकी नेक पर पाइपिंग लगाएंगे। जो पट्टी हमने पाइपिंग के लिए ली थी उसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह रखेंगे हम। और सिलाई लगा लेंगे। हमने गले पर पाइपिंग लगा ली है, अब इसी तरह हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। हमारी बॉडी तैयार हो गई है, अब हम इसका निचला पार्ट तैयार करेंगे। हम निचले पार्ट पर धागे से सिलाई लगा के चुनट डालेंगे। हमने इसको चुनट डाल दिए हैं, अब हम इसको बॉडी से अटैच करेंगे। ये हमने अगला पल्ला बॉडी के साथ अटैच कर लिया है, अब हम पिछला पल्ला भी इसी तरह अटैच कर लेंगे। हमने दोनों पल्ले बॉडी के साथ अटैच कर लिए हैं, अब हम इसके ऊपर डिजाइनिंग करेंगे। हमने फ्रॉक पर डिजाइनिंग के लिए जो स्ट्रिप काटी थी इसको हमने इस तरह फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको कंधे के जोड़ पर गले के साथ इस तरह रखेंगे। अब हमने जो ट्रायंगल बनाए थे को हम इसके नीचे रखेंगे और ऊपर सिलाई लगा देंगे।
पर हमने बॉडी और निचला पल्ला अटैच किया है, वहाँ पर हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे और नोक बना लेंगे और साइड पर ले जाएंगे। हमने इस पर नोक बना कर सिलाई लगा ली है, अब हम इसको यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इसमें से फालतू कपड़ा काट देंगे, दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, एक तरफ हमने पट्टी अटैच कर दी है, अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह करेंगे। हमने फ्रॉक के दोनों तरफ डिज़ाइन बना लिया है, अब हम इसकी साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे। हमने साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं, अब हम इसके घेरे पर पट्टी अटैच करेंगे। हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और हमने फ्रॉक के घेरे के उल्टी साइड पर रखी है, अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको सीधा करके यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। हमारी फ्रॉक रेडी हो गई है, तो आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। इसकी फाइनल लुक है। ये देखिए हमारे गले की फाइनल लुक, तो गले पर हमने ट्रायंगल्स लगाए हैं और ये देखें घेरे पर हमने एक पट्टी लगाई है। हमने ये सिर्फ ऊपर ही लगाई है, नीचे नहीं लगाई।